फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स आए वापस करने सेकेंड पार्ट। वीडियो का टाइटल है तालिबान ओरिजिन ऑफ तालिबान इम्पैक्ट ऑफ तालिबान ऑन इंडिया यूएस ट्रूप्स रिटर्न फ्रॉम अफगानिस्तान। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरे दो चैनल्स हैं व्लॉगिंग गेमिंग एंड न्यूज चैनल्स, उन सब के डिस्क्रिप्शन है नीचे, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। तो बहुत जरूरी है कि आप ट्विटर में भी हमें फॉलो करिए, जिससे जैसे भी हमारे को नया वीडियो आता है किसी भी चैनल में तो उसमें हम नोटिफाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। खुद अमेरिका ने उसे पैदा किया था, अब अमेरिका अफगानिस्तान में युद्ध लेके कूद गया। ठीक वैसे ही गलती किया जैसे रूस ने किया था, गुस्सा में वहां पे पूरा थल सेना उतार दिया, यहां पे भी दिक्कत हो गया और इसको भी धो दिया सब अमेरिका को भी। अब अमेरिका 20 साल तक लड़ा था क्योंकि 2001 में उसके ऊपर हमला हुआ था। जो बाइडेन ने कहा कि 20 साल बाद हम इसमें अपनी सेना वापस बुला रहे हैं। अफगानिस्तान से लड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा पहाड़ है और इनके जीवन का कोई मकसद नहीं क्योंकि इनको केवल और केवल लड़ाई करना है। ये अब यहां पर सैनिक वापस जा रहे हैं, लेकिन ये बुढ़ऊ इतना होशियार है, बुश के समय पे यह हमला शुरू हुआ था और इसने वापस कर लिया अपनी सेना को। यह बुढ़ऊ को लगता है कि कोई ना कोई सवाल पूछेगा कि 20 सालों में आपको मिला क्या, तो इसको लगा कि हमको बेइज्जती हो जाएगा। तो इसने बहुत खतरनाक चाल चला। इसने क्या किया कि अपने जितने हथियार थे, जितने मीडियम साइज के गाड़ियां वगैरह थी, उनको कहा कि देखिए ये इसमें थोड़ा थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग पचक ढचक गया, ये हमारे काम लायक नहीं, हम इसे छोड़ के जा रहे हैं। और बिना बताए भाग गया। इन हथियारों पर, इन गाड़ियों पर, इन बख्तरबंद वाहनों पर अब कब्जा हो गया तालिबान का। ये जानबूझ कर छोड़ा है कि अब तालिबान और हथियार हो जाएगा और खतरनाक हथियारों से लोगों को मारेगा, तो लोग अपने से कहेंगे कि अमरीके ठीक था। मतलब समझ रहे हैं, जब तक था तब तक कुछ भी किया, सेम काम यही किया था रूस जब अफगानिस्तान को खाली किया था, तो स्पिन बोल्ड आज में अपना हथियारों का जखीरा छोड़ दिया ताकि आने वाले जो आएगा वो युद्ध झेलेगा, इसने भी छोड़ के चला गया। और इसने कहा दुनिया को कि हमने अफगानिस्तान की सेना को ट्रेनिंग दिया है, वहाँ एयरफोर्स बनाया, देखिए अफगानिस्तान की एयरफोर्स की पावर, ये देखिए एम्बार्डियर जहाज दिया, इसे सुराई कौन काम का जहाज है यहाँ पर, ये सेसना जहाज हमारे यहाँ नेता सब इसको प्राइवेट मीटिंग में लेके जाता है सब यहाँ पे, ये एयरफोर्स है अफगानिस्तान का। और पाकिस्तान को इसने क्या दिया, F-16 खतरनाक जहाज, मतलब जो आतंकवादी सप्लाई कर रहा है उसको खतरनाक, जो आतंकवादियों से लड़ रहा है उसको ऐसा टुच्ची जहाज दिया। अमेरिका तो यहां से निकल गया। अब अलग अलग देशों का अपना इसके साथ अलग अलग इंटरेस्ट है। रूस जो है इसको एक बार झेल चुका है, रूस एक्सेप्ट कर चुका है तालिबान को, और पूरी दुनिया को ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब तक अफगानिस्तान रहेगी तालिबान का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। रूस ने भारत को भी कह दिया है कि हम अफगानिस्तान के मैटर पर का कोई साथ नहीं देंगे, तो रूस तो भैया अपना साइड हो गया है, बस इसको ने तालिबान को कह दिया कि भैया तू हमारे एरिया में नहीं आना। अब बात करते हैं अगले देश की, चाइना की। तो देखिए चाइना का कोई अस्तित्व, मतलब कोई इसके अंदर मोरल सेंस नहीं है, इज्जत वगैरह कुछ नहीं होता है, या आतंकवादियों का भी सपोर्ट कर देता है, या यूएनओ में जाके मौलाना मसूद अजहर को बचा ले आता है, तो ये आतंकवादी के साथ भी खड़े हो सकते हैं, किसी के साथ खड़े हो सकते हैं, इनका कोई मतलब विदेश नीति फिक्स नहीं होता है। इनको मतलब क्या है कि अफगानिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो इसका कब्जा सोचता है वहां लिथियम वगैरह वगैरह चीजों पे, आयरन ओर पर कब्जा हो जाए इसका अच्छा से। दूसरा, ये एक सड़क सीपीसी बनाया ही है, एक यहां के थ्रू भी एक बीआरआई प्रोजेक्ट में इसे शामिल कर लेगा। लेकिन चीन की भी एक मजबूरी है कि चीन की जो सीमा यहां अफगानिस्तान से लगती है वो सिंजियांग प्रांत है, और यहां के वीगर मुसलमानों पर चीन जुल्म करता है, इस वजह से यहां से यहां पर मुसलमानों में टसल हो सकती है। यहां भारत इस चीज को बढ़ा दे सकता है कि इस एरिया में अफगानिस्तान में ये असंतोष भर दे कि यहां पर जुल्म हो रहा है, जिस वजह से अफगानिस्तान और ये चीन के रिश्ते खराब हो सकते हैं। पाकिस्तान का यहां अपना इंटरेस्ट है क्योंकि यहां जितने समय अफगानिस्तान जितना अशांत रहेगा, पाकिस्तान को वहां आतंकवादियों के लिए और ईजी हो जाएगी। यहां जितने ज्यादा आतंकवाद रहेंगे, इन आतंकवादियों को चढ़ा के ये कश्मीर के एंट्री कराते रहेगा, क्योंकि यहां पर चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कश्मीर, क्योंकि इन बक्चोदों को समझ में आता नहीं है कि इनका बांग्लादेश चला गया यहां पर, लेकिन इनको कश्मीर चाहिए यहां पर, क्या कीजिएगा यहां पर। और ये इसके लिए थोड़ा सा हो भी जाता है, रीजन समझिए कि अफगानिस्तान ये ऐसा करते क्यों है। देखिए ये है स्पिन बोल्ड आज, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, यहां पर तालिबान के आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया, यहां के चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया। यहां से इतना बड़ा ये व्यापार का केंद्र है, यहां से बहुत सारी ट्रकें जाती हैं, अफगानिस्तान की लाइफ लाइन कही जाती है इस चेक पोस्ट, और अफगानिस्तान की एयरफोर्स इन तालिबानी आतंकवादियों को मारने आई ना, तो पाकिस्तान कहता है इसका एयरफोर्स ऑफिशियली कि अगर तुम उन आतंकवादियों को मारोगे तो हमारी एयरफोर्स तुम्हें मार देगी। अब जेन्युइन अफगानिस्तान की तुलना में पाकिस्तान की एयरफोर्स अच्छी है, तो सोचिए कितना ये साले गिरे हुए हैं कि ऑफिशियली आतंकवादियों को बचाने के लिए यहाँ आते हैं।
अब अफगानिस्तान से एक और पाकिस्तान को फायदा ये हो जाता है कि अफगानिस्तान गोल्डन क्रिसेंट में आता है, यानी यहाँ अफीम की खेती ज्यादा होती है। कहाँ कहाँ? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, जिसमें सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में हो जाती है अफीम की खेती। अब ये अफीम की जो होती है, ये मादक पदार्थ होता है, ये अफीम जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा दिया जाता है स्पिन बोल्डाज वाले बॉर्डर के थ्रू। अब जब ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तान इसे पंजाब में पहुंचा देता है। उड़ता पंजाब मूवी वगैरह देखे, नशा वगैरह पे काफी है, यहाँ पे पंजाब में अभी नशा खोरी बहुत भर गया है। ये अफीम आ कहां से रहा है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया आ रहा है, तो ये इंडिया को चौपट करना चाहते हैं। दूसरा है कि इन लोग को गजवाए हिंद भी तो करना है, हम लोग को पकड़ पकड़ के पाकिस्तान वाले पीटेंगे, हम लोग ऐसे कहेंगे मत पीटिए यहां पर, ये लोग हम लोग को गजवाए हिंद करेंगे। ये देखिए पाकिस्तान का मेजर है, देखिए यहां पे स्टार देख रहे हैं, और ये मेजर छोटा मोटा मेजर नहीं है, पारा कमांडो है। देखिए यहां पारा सूट का आपको इंडिया से मिला देते, देखिए ये भी पैरा कमांडो है, ये भी पैरा कमांडो है, ये भी मेजर रैंक पर है, ये भी मेजर रैंक पर है। ये ससुरे ये इस पर हमला करके गजवाए हिंद करेगा, सोच सकते हैं? इतने साले पागल होते हैं सब, ये सब इनको अपनी औकात नहीं दिखती है। जिस बोतल में ये पानी पी रहा है बिहार में, उस बोतल पे सुबह सुबह लोग लेके ट्रेन के पटरी के किनारे लेटरिन करने जाते हैं, उस पर ससुरा पानी पी रहा है, और ये कह रहा है कि हम इन लोग पर गजवाए हिंद करेंगे। अरे भाई साहब, हमारे देश के सेना को मतलब तुमको क्या बोले यार। देखिए इंडिया के एस्पेक्ट्स में देखेंगे तो भारत ने यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, लगभग $4 बिलियन से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। हम अफगानिस्तान को बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान को कहता है कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, लेकिन तुम कुछ मत कहो क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें अधिकार है किसी भी मुसलमान को बर्बाद कर सकते हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों को जो गाली सुनाता है अकेले उसमें 90% योगदान पाकिस्तान का है, जबकि भारत देखिए ये अफगानिस्तान की $4 बिलियन मदद किया, वहाँ सहतूत डैम और सलमा डैम है, ये प्लांट 42 मेगावाट से ज़्यादा की बिजली उत्पन्न करते हैं, ये अफगानिस्तान का सबसे बड़ा बिजली का प्लांट है यहाँ पर, इससे अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी सुधरेगी, लेकिन ये पाकिस्तान को नहीं देखा जाएगा। और इसके अलावा भारत ने वहाँ के संसद भवन का भी निर्माण कराया ताकि लोकतांत्रिक सरकार वहाँ पे रह सके, भारत वहाँ की एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए। वहाँ रूस से खरीद के इसे हेलीकॉप्टर गिफ्ट में दिया है, जिसमें बड़े साइज के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल है। भारतीय सेना के जो अफसर होते हैं उनमें ट्रेनिंग जो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में दिया जाता है, यहाँ फिलिस्तीन अफगानिस्तान के लड़कों को भी दिया जाता है ट्रेनिंग, यहाँ अफगानिस्तान के आर्मी के अफसर को भी ट्रेनिंग दिया जाता है, जहाँ हमारे खुद के आर्मी अफसरों को ट्रेनिंग दी जाती है। अफगानिस्तान में भारत का रहना जरूरी है, क्योंकि अगर हम भारत अफगानिस्तान में हमारी मौजूदगी रहती है तो इससे एक प्रेशर चाइना पे पड़ता है, दूसरा प्रेशर पाकिस्तान पे पड़ता है, तो ये दोनों जो छर रहे हैं सब ये ससुरे यहां पर इसके वजह से कंट्रोल में रहते हैं। और अगर हमें यहां पर एक वायुसेना का अड्डा मिल जाए तो इसके लिए तो ये सरदर्द हो जाएगा यहां पर, क्योंकि रास्ता तो जाने का ईरान से मिल ही जाएगा हमको चाबहार के थ्रू, और ये पाकिस्तान भले वहां जाने ना दे, तो हम लोग के लिए वहां तालिबान का आ जाना सच में एक ड्रॉबैक है, और पाकिस्तान के लिए आतंकवाद के लिए तो एक बहुत फायदा हो जाएगा पाकिस्तान को। हम लोग का प्लान क्या था कि हम लोग यहां से जाते ईरान के चाबहार पोर्ट पर, यहां से रेल लाइन बिछाते जरांज तक, और जरांज से हम लोग डेलाराम अफगानिस्तान पहुंचा देते। अफगानिस्तान का ये जो हाईवे है, इस हाईवे को कहते हैं हम लोग गार्लैंड रोड, ये अफगानिस्तान का सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। अब इस गार्लैंड रोड पर ये कंधार है जहां पे तालिबान का स्पिन बोल्डाज पर पूरी तरह कब्जा हो गया, तो अब हम लोग इस रूट का इस्तेमाल बिना अफगानिस्तान के नहीं कर सकते, और अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का प्रेशर ज्यादा रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हाथ पे हाथ रख के रोएंगे, ऐसा थोड़ी होता भाई, हमको इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा कि नहीं। तो देखिए जब हम ईरान के चाबहार तक पहुंच ही गए हैं तो क्या जरूरत है ससुरा हमको यहाँ बार बार अफगानिस्तान में घुसने का, हम यहाँ से तुर्कमेनिस्तान के थ्रू बाईपास करके सेंट्रल एशिया में जा सकते हैं, और यहीं से हम कैस्पियन सागर पार करते हुए रूस में यहां से भी घुस सकते हैं, तो हमारे लिए क्या जरूरत है ससुरा अफगानिस्तान में मरने बिना यहां पर कुछ खास। ट्रेड के लिए हमें ये रूट सोचना चाहिए। और आज के वक्त में क्या है, आजकल तो रो रो चल गई है, रोल ऑन रोल ऑफ, ट्रक को सीधे बैठाइए ट्रेन पर और ट्रेन लेके चल आएगी यहाँ पर, और ट्रेन को उतार दीजिए बंदरगाह पे, ये ट्रक वगैरह सब घुस जाएंगे सर पानी वाली जहाज में, और पानी वाली जहाज लेके निकल जाएगी, क्या दिक्कत है। अब जैसे मान के चलिए कलकत्ता से किसी सामान को रूस में भेजना है तो उसको ट्रक पर लोड कीजिए, ट्रक को ट्रेन पे लोड कीजिए, ट्रेन वाला मुंबई में ले आ दे, ट्रेन से ही उतरेगी मुंबई पोर्ट पर, जहाज लगी है तो जो ट्रकवा सीधे पानी वाली जहाज में घुसा दो, ये पानी वाली जहाज बाहर में उतरेगी, यहाँ से ट्रक उतार के यहाँ से लेके चल जाए यहाँ तक वहां पे। तो हमें अल्टरनेट देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान को शांत नहीं रहने देगा।
अफगानिस्तान का ऊपरी भाग जो है वही भारत से सटता है। देखिए ये छोटा सा एरिया भारत से इसका ये टच करता है, तो यहाँ पर पहले बहुत शांति थी, उस शांति को बहाल करने का काम नॉर्दर्न एलायंस ने किया था। ये कई देशों का संगठन था जिसमें अमेरिका, इंडिया था, रूस था, तुर्की था, तुर्कमेनिस्तान, ईरान वगैरह कई सारे देश थे। ये आठ देश थे जो यहाँ पर शांति बहाल का काम करते थे। तो ये एरिया अगर शांत रहेगा ना तो ये कश्मीर वाला इशू ऐसे भी शांत रहेगा। वो अलग बात है कि पाकिस्तान इधर से कहेगा आए जाने इधर से मार दे कश्मीर वाले मैटर पे। ये बात अलग है कि अभी का तालिबान पूरी तरह से पहले के तालिबान से बदल गया है। जब भी भारत की मीडिया या कोई भी इंटरनेशनल मीडिया अफगानिस्तान से ये सवाल पूछिए कि आप भारत के बारे में क्या सोचते हैं कश्मीर इशू में, तो इन्होंने हमेशा एक ही बात कहा है कि कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है, तालिबान या अफगानिस्तान की जमीन कभी किसी दूसरे देश में उग्रवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं आएगी। लेकिन इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। वहां देखेंगे अभी दानिश सिद्दीकी पत्रकार जो थे वो पुलित्जर अवार्ड से नवाजे गए थे, इनकी वहां पे हत्या कर दी गई। वो तो हत्या इस अफगानिस्तान में हुई है, वरना अगर ये हत्या, ये गोली अगर कश्मीर में चली रहती और दानिश सिद्दीकी की मौत अफगानिस्तान में ना होगी कश्मीर में हुई रहती, तो अभी तक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्री OIC के कंट्री बवाल मचा दिए रहते सब, कश्मीर सुरक्षित नहीं है, कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में वो हो गया। लेकिन अफगानिस्तान में हुआ कोई दिक्कत नहीं, वो लोग शांत बैठे रहेंगे यहाँ पर। हालांकि हम लोगों ने अफगानिस्तान में तालिबान पे पूरा भरोसा न करके हमारे जो कॉन्सुलेट है वहां से अपने भारतीय कर्मचारियों को निकाल लिया है। इस कॉन्सुलेट में, वहां कंधार वगैरह के कॉन्सुलेट में, वहां पे जो काम कर रहे हैं वो अफगानिस्तान के लोग हैं, बट वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अफगानिस्तान भले ही सुधर गया हो, तालिबान की मेंटेलिटी भले ही चेंज हो गई हो, क्योंकि तालिबान को भी पता है कि अगर लंबे समय तक हमें सर्वाइव करना है तो हमें आतंकवाद को छोड़ के राजनीतिक ओर आना पड़ेगा। लेकिन इसके ये जो लोग हैं, लोग ये लोग इसके जो बाप बन के बैठे हैं लोग, ये लोग ये तो हमेशा चढ़ाएंगे कि कश्मीर को ये लोग अनस्टेबल रखो, क्योंकि इनके पास दूसरा कुछ बात करने के लिए तो मुद्दा है नहीं। काबुल एयरपोर्ट पर तुर्की अपनी फौज डिप्लाई कर रखा है, इसलिए अफगानिस्तान जो तालिबान जो है तुर्की को धमकी देता है। भारत सरकार को भी काबुल एयरपोर्ट के आसपास सिक्योरिटी के लिए अपने पारा कमांडोज को तैयार रखने चाहिए, क्योंकि इन पारा कमांडो से तालिबान नहीं लड़ पाएंगे। ये स्पेशली उसी लिए ट्रेंड होते हैं, आप देखे होंगे जो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब में यही पारा कमांडो जाते हैं। यहाँ रहने से एक फायदा होगा कि अफगानिस्तान पर एक डर रहेगा, और डर बिना प्रेम कहाँ, डर खत्म तो प्यार खत्म हो जाता है। जैसे अभी हमारी स्थिति इस तरह से, ये तालिबान वाला हमारे ऊपर तान दिया यहाँ पर, अब हमारा हम लोग हैं तालिबान को केवल उसके मेंटली पे छोड़ दिए हैं कि वो कश्मीर में इंटर करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास तालिबान को पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर आ जाते हैं तो हम उस पर पाकिस्तान और चाइना पर भी दबाव बना देंगे, साथ ही साथ हमारी स्थिति ऐसे हो जाएगी ताकि दोनों एकदम आमने सामने। अब क्या है कि तालिबान अगर एंट्री करेगा, आतंकवाद फैलाएगा कश्मीर में, तो हम लोग काबुल एयरपोर्ट में पकड़ के इनको धो देंगे। तो ये स्थिति में देखेंगे ना, दोनों में से कोई गोली नहीं चलाएगा, और इस स्थिति में तो ससुराल इसका अगर मूड बिगड़ा तो चलाइए देगा। तो अभी हम अफगानिस्तान में इस स्थिति में, लेकिन अफगानिस्तान में अगर हम काबुल एयरपोर्ट पे आ जाते हैं और ये इनडायरेक्टली अफगानिस्तान को मैसेज पहुंचा देते हैं तालिबान को कि देख भैया तुम हमको कुछ नहीं करेगा तो हम एक को गोली नहीं चलाएंगे, हमको थोड़ा सा लड़ाई उड़ाई नहीं करना है, तो इससे एक हम लोग फ्रंट फुट पर आ जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि अफगानिस्तान में सेना भेज देना या एयरफोर्स भेज देना, अफगानिस्तान में भेजने से तालिबान से दुश्मनी हो जाएगी। भैया वो पहले भी हमसे दुश्मनी करते थे, 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो हमारी कौन सी वहां पर एयरफोर्स अफगानिस्तान में थी, उन लोगों ने नेपाल से हमारे IC-814 विमान को हाईजेक कर लिया, अमृतसर उड़ाया, फिर लाहौर ले गए, दुबई लेने के बाद फिर कंधार लेके चले गए सब अफगानिस्तान में, और हमारे हमसे लोगों से तीन तीन खूंखार आतंकवादियों को छोड़वा लिया। मुश्ताक अहमद जो आगे जाके कश्मीर में CRPF पर हमला कराया था, मौलाना मसूद अजहर इसने संसद भवन पर हमला कराया था, उमर शेख इसने 9/11 हमला अमेरिका में उसमें फंडिंग की थी, तो इन लोगों को छोड़ा गया। और भारत सरकार को भी पता नहीं क्या हो गया, हमको ये समझ में नहीं आता, जब इन आतंकवादियों को छोड़ता ही रहता है तो इन्हों ऐसे इज्जत से क्या छोड़ देते हो, जब आप नेगोशिएशन कर रहे हैं तो इनको खाना में आप मिला दीजिए कोई बेहोशी के दवा, आराम से बेहोश हो जाए, पतो ना चले। और दुनिया भर का बीमारी आता है, HIV, कोरोना, कैंसर, दुनिया भर का एक वायरस लेके चढ़ा दो यहाँ पे, जाओ सोच रहे 2-4 महीना में अपने से मर जाओगे, तो आराम से पहुंचा देता है इन लोग को खाना में दीजिए, बेहोश सो जाएगा, उठेगा तो पता नहीं चलेगा कौन दवाई चढ़ा है, कोई पूछेगा तो सुई भी लगाया ना, हमको तो बस खाना खा के सो गए। तो आराम से इन लोग को भी नहीं छोड़ना चाहिए, हम तो कहते हैं पकड़ाए फाइल निपटा दो, रखोगे तो कहीं ना कहीं छोड़ेबे करेगा सब। अफगानिस्तान में तालिबान को काउंटर करने का एक और तरीका है, देखिए वहां दो आतंकवादी संगठन है, ज्यादातर एरिया में तालिबान का कब्जा है जो अफीम बेचकर अपने पैसे की उगाही करता है, जबकि वहीं पर आपका ISIS आतंकवादी है, ये काला चमगादड़, ये सब जो है पेट्रोल बेच के अपना पैसा कमाते हैं, दोनों ही आतंकवादी हैं। लेकिन ये क्या कहता है इससे कि तुम इस्लाम के खिलाफ हो,
नशा वाला चीज इस्लाम में अलाउड नहीं है। अरे भैया वो नशा वाला नहीं बेचेगा तो ओकरा पैसा नहीं आएगा, तोरे ऐसा पेट्रोल सबके पास थोड़ी है। तो भारत सरकार को आईएसआईएस के मैटर पे कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आईएसआईएस वाले आते हैं सब तो अफीम की खेती ये जला देते हैं सब, कहते हैं इस्लाम के खिलाफ है, और खेती जल गया तो तालिबान का पैसे बंद हो जाता है। आज के समय में बाप बड़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया हो गया है। तालिबान को काउंटर करने के लिए ईरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक्चुअली ईरान क्या है, वो एक सिया कंट्री है, और यहाँ मुसलमानों में सबसे बड़ा झगड़ा सिया सुन्नी का है। अफगानिस्तान में सुन्नी है और यहाँ पर सिया है, इन दोनों में बहुत अच्छा सा टसल हो जाएगा। तो यहाँ पर अफगानिस्तान को काउंटर करने के लिए ईरान भरपूर मदद करेगा, क्योंकि ईरान नहीं चाहेगा कि उसके सिधाने कोई एक आतंकवादी संगठन आ जाए जो कि उसे धार्मिक रूप से कट्टर हो। तो इसमें ईरान हमारी पूरी मदद करेगा। हम लोग को तालिबान पर कई ओर से प्रेशर बनाना चाहिए, खास करके इनके हथियारों के थ्रू। देखिए इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका हथियार है, इसी को कमजोरी बना देना चाहिए। इनके पास अपनी कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है जहां से ये हथियार लेते हैं, ये बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं इधर उधर काला मार्केट से। हमें वो मार्केट में घुस जाना है। ये बंदूक की जो गोली होती है, ये कारतूस होता है, ये गोली नहीं होती, इसमें बारूद भरा होता है, असली शरीर के अंदर यही घुसता है। ये क्या होता है, अब यहां ध्यान देंगे, जब बंदूक पे यहां ट्रिगर दबता है तो ये ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद ये बारूद निकलता है तो ये इसको ढकेल देता है। अब यहां देखिए ये सब बारूद है, यहां पर यही ऊपर वाला जो नोक है इसी से निकलता है। तो अगर इस बंदूक में, इस गोली में अंदर से यहां पर एक मेटल का प्लेट वेल्डिंग करके जोड़ दिया जाए, और अगर जैसे वेल्डिंग करके यहां मेटल का प्लेट जोड़ देंगे और इसमें बंदूक तब फायर करेगा धाम से ना, तो ये ब्लास्ट होकर यहीं भड़क जाएगा, ये आगे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसको निकलने का रास्ता ही बंद कर दिया। तो ऐसी बंदूक की गोली को जब आप कभी फायर करते हैं तो बंदूक में ही फट जाती है और चलाने वाला ही मर जाता है। तो हम ये नहीं करें कि सारी गोलियां ऐसा ही भर दो, लेकिन 10-15% ऐसी गोलियां ब्लैक मार्केट में सप्लाई कर दो। अब इन ससुरों को कैसे पता करेंगे उसको फोड़ के कि ये असली है कि नकली। अब ऐसे बंदूक की गोली लेके चलोगे ससुर, धर 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 मारो मारो धर धर धर, पता चलो वही में 10 गोली मारे, एगो खराब का आ गया, मारे धड़ाम से फट जाएंगे, आदमी भी गया हथियार भी गया। देखिए एक बात हम अच्छे से समझ कहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि युद्ध ना हो तो इसके लिए आपको हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध की तैयारी ही युद्ध पर पूर्ण विराम लगाती है। दुनिया में किसी देश की हिम्मत नहीं है जो इजराइल से टक्कर ले ले, क्योंकि सबको पता है कि ससुरा दुयो बजे रतियों को करेंगे तो तैयार बैठा है, तो इसलिए इजराइल से लड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता है, क्योंकि वह तैयार बैठा है। हम लोग 1962 की लड़ाई क्यों हारे, क्योंकि हम तैयार नहीं थे। तो युद्ध में जीतना है या युद्ध को बचना है तो युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे अफगानिस्तान के रहमो करम पे रहेंगे कि देखिए तालिबान हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप भी कश्मीर में कुछ नहीं कीजिएगा, वो पक्का करेगा, क्योंकि उसको दिन भर पाकिस्तान उसको पीन मारेगा, देख तुम्हारे लिए हम हाई किए, तुमको पैसा दिए, ट्रेनिंग दिए, रहने के लिए दिए तुमको, हम तुम्हारे वजह से हम बदनाम हो गए, मारो कश्मीर को। तो कश्मीर को ये लोग अनस्टेबल करेंगे, और लोगों को लगता है कि यार साला पाकिस्तान कश्मीर की हेल्प कर रहा है। यार कश्मीर वालों भी आप लोग समझो यार, आप लोग बलि का बकरा बन रहे हो। जितना कश्मीर में आतंकवाद फैलेगा, जितने कश्मीर के लोग मारे जाएंगे, इसमें सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा। इसलिए भारत को भी अब एग्रेसिव मूड में रहना चाहिए। आगे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद। तो फ्रेंड्स सच बताऊं, ये वीडियो देखे तो मेरा दिमाग चकर आ गया, बाप रे इतना ये इधर वो है, ये मुसलमानी ये है, ये सुई है, ये वो है, ओ माय गॉड, वो इलाका ही इतना गंदा है, मैं तो समझ नहीं आ रहा क्या होगा यहाँ पे, और इतना मतलब हेट्रेड है हर जगह पे, ओ माय गॉड, हर कंट्री में पॉलिटिक्स, सबको पावर चाहिए, सब गोलियां मारने को तैयार है। अरे यार मैं तो कहती हूँ बंदूक के ही बंद कर दो बनानी, ये बड़ा अच्छा आइडिया था वैसे, जिसमें कल मैं पहले जब वो शुरू है ना एक्सप्लेन करने, मेरे को तब मुझे शक हो रहा था कि इसमें डाल दो और वो तुम जलाओगे तो फूट जाएगी। मैं कहती हूँ दुनिया की हर गन को ऐसे ही कर दो भैया, गन अलाउड ही नहीं है इस वर्ल्ड में, जिसने गन खरीदी वो गया, तो इलीगल है गन, सब इलीगल कर दो, जब गन ही नहीं लड़ाइयां ही नहीं होंगी, काम ही खत्म हो गया। पर सीरियस नोट पे तो जैसे कह रहे हैं कि हो सकता है कश्मीर में प्रॉब्लम्स आए, तो तब मुझे याद आया था कि हमने एक न्यूज की थी जिसमें कश्मीर में तो नहीं पर पाकिस्तान को खुद ही दिख रहा है कि क्या उनके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, जैसे वो कह रहे थे कि वहां पे एक जो थी बस उसमें एक्सप्लोजन हुआ और वो सब, तो जो तालिबान है वो ना इनका होगा ना किसी और का होगा, तालिबान को जो करना है वो अपने माइंडसेट से करेगा, और ये जो अगर सोच रहे हैं पाकिस्तान की हम उससे फायदा उठाएंगे, लग तो नहीं रहा इस न्यूज के बाद कि इनको फायदा होगा, और उनको रियलाइज होगा कि इस टाइप का सपोर्ट देने से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और जैसे ये कह रहे थे ना कि ये जो है ओपीएम या कुछ जो करते हैं मैन्युफैक्चर, तो वो पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में आएगी, तो उसका पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा इफेक्ट होगा कि जब वो उसके थ्रू आ रही होगी तो ये पाकिस्तान में भी वो बेचेंगे, तो पाकिस्तान में भी सारे जो है वो ड्रगीज बन जाएंगे, और फिर जब इंडिया में आएगा तो वो तो हमें फिर प्रोटेक्शन के लिए अपने
ले लेने चाहिए स्टेप्स कि आप अंदर आओ ही नहीं, अपनी बॉर्डर लाइन को इतना स्ट्रांग करो कि इलीगली इस टाइप से लोग आए नहीं। एंड रिगार्डिंग कि अफगानिस्तान को अटैक करने का, मेरे हिसाब से तो अभी करने का कोई मतलब नहीं बनता तालिबान को, अनलेस एंड अनटिल वो कोई एक ऐसा स्टेप लें जिससे लग रहा है कि अब इन्होंने हमें अटैक किया उसके बाद हम छोड़ेंगे नहीं, पर हम पहले स्टेप नहीं लेंगे, पर हम अपने आप को अलर्ट रखना चाहिए। अब खुद वहां भेज दें अपने लोगों को, मैं तो उसमें नहीं बिलीव करती। हम अपने सोल्जर्स, हमने ब्रेव ब्रेव हार्ट्स को क्यों भेजेंगे हम वहां, वो हमारी कंट्री के हैं, उनकी उनकी जो लाइफ है वो हमारे ऊपर जाएगी कि हमने उनकी लाइफ को क्यों डेंजर में किया। एक एक जो जवान होता है हमारा जिसकी डेथ होती है, आप सोचो वो हमारी फैमिली में से किसी का होता है, तो ऐसे अननेसेसरी हम अपने, मैं मेरा पर्सनल बिलीफ है कि हम नहीं भेजेंगे। हाँ अपनी कंट्री के लिए वो रेडी हैं, वो लड़ने को रेडी हैं, पर आप अननेसेसरी पहले अगर तालिबान कुछ भी थोड़ा सा भी करे अलर्ट रहो, होने नहीं दो और उसके बाद आंसर दो, मेरा तो यही थॉट है। राइट, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया को अपने फोर्सेस काबुल वगैरह में ज्यादा नहीं भेजनी चाहिए, क्योंकि पूरा यूएसए ने इतना भेज दिया, कुछ नहीं कर पाया। यूएस ने इतने सारे लोग भेज दिए वो नहीं कर पाए, उससे पहले सोवियत ने भेजे वो नहीं कर पाए, तो इंडिया अपने पैरा ट्रूपर्स को भेज के वहां पे क्या कर लेगा, कोई फायदा नहीं है। तो वो तो आइडिया मेरे को ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि इंडिया को सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि बॉर्डर को सेफ करें। बॉर्डर में आप डिप्लॉयमेंट इंक्रीज कर दीजिए, मेक श्योर करिए बॉर्डर इतना परफेक्ट हो कि कोई ना आ पाए, और अगर मान लीजिए कई लोग आते हैं तो पूरा इन्वेस्टिगेट करिए और सोल्यूशन सर्जिकल स्ट्राइक है, फिर यहां से प्लेन जाएंगे अफगानिस्तान में उनको उड़ा के आएंगे, जिससे उनको पता चलेगा कि अगर वहां के लोग यहाँ पे आते हैं तो तुम पे ही अटैक होगा। यही होगा कि देखिए हमारी कंट्री में मत आइए, हमने यहाँ पे सेफ्टी अपनी कर ली है। सेम चीज रशिया भी तो जो रशिया कर रहा है, सेम चीज जो रशिया कर रहा है तजाकिस्तान में, कि हमने अपना बॉर्डर में, अगर हमारे बॉर्डर में आए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सिविल इंडिया बोलेगा हमारे बॉर्डर में आए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे घर में आके तुम्हें मार के जाएंगे, और मगर हमारे लोगों को वहां पे अफगानिस्तान जाने का कोई फायदा नहीं है, जहाँ पे सुपर पावर्स जाके इतना समय बर्बाद करके अपने लोगों को मरवा के पैसा बर्बाद करके कुछ नहीं अचीव कर पाए, कोई फायदा नहीं है। जहाँ पे बंदे वैसे हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है प्रोग्रेस में, बस यही है कि अपना एरिया बना लो, अपने पुराने जमाने के रूल लगा दो, ऐसा कर दो, वो तो पूरा मतलब एरिया जो है काफी मेरे ख्याल से जाहिल टाइप का है। वहां पे सिर्फ यही है कि आप अपने एरिया में रहिए, अगर कोई इंटरवेंशन होता है तो आप अटैक करके उसको न्यूट्रलाइज करिए। यस फ्रेंड्स, मेरा भी यही बिलीफ है कि अपने आप कंट्री के अंदर अपने आप को बस स्ट्रांग रखो, कोई आए तो पहले उसको, तब उसको आंसर बैक करना चाहिए, खुद स्ट्रांग रहो। और यूएसए में जैसे पहले थे तो हम तो यहाँ पे थे तो हमें पता है ना कि कितनी आती थी, कितने सोल्जर्स की डेथ हो गई है, और यहाँ की जो फैमिलीज हैं वो इतना रो रही हैं, वाइफ हैं, यंग बच्चे हैं, प्रेग्नेंट हैं वो, और उनके जो हस्बैंड है वो वहाँ पे सोल्जर्स मर, उनकी डेथ हो गई है, और वो वहाँ पे अपने बच्चों बच्चों के साथ हैं, उनकी लाइफ राइट। तो यही यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन में यही एक एजेंडा था कि आप फोर्सेस को वापस लेके आइए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ के लोग जो है वहां जा सोल्जर्स जा रहे हैं ना, वो तो उस माइंड सेट के लोग हैं, और यहाँ से पढ़े लिखे सोल्जर्स जा रहे हैं, फैमिली वाले लोग जा रहे हैं, तो वो तो उनको नहीं था, तो वैसे ही हम अब अपने इंडिया में ऐसा नहीं देखना चाहेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।